हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस 30 डेज 40 मार्क्स टारगेट का जो वीडियो चल रहा है हमारे, जिसमें हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं, इसके डायनामिक्स पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर आज मैं जो फ्लूइड डायनामिक्स में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आज यहां पर लेने वाला हूं, और वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचुरीमीटर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वेंचुरीमीटर। आज हम लोग फ्रेंड्स वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को वेंचुरीमीटर के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन वेंचुरीमीटर को पढ़ाने से पहले 5 मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर में जो बर्नौलीज इक्वेशन होता है हमारा, क्या होता है, बर्नौलीज इक्वेशन जो होता है, उस बर्नौलीज इक्वेशन के हमने एप्लीकेशन पार्ट को देखा। हमने देखा कि बर्नौली इक्वेशन अगर मैं पाइप के लिए यूज करूंगा तो वो कैसे होगा, अगर मैं उसको पंप के लिए यूज करूंगा तो वो कैसे होगा, अगर मैं टर्बाइन के लिए यूज करूंगा तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन या मैं टोटल एनर्जी हेड लॉस को भी कंसिडर कर रहा हूं तो हम उसे कैसे बर्नौली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, उससे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी देखा, और बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल्स आपके क्या है, बर्नौली इक्वेशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। आज जो ये लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन के थ्रू जो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं उसका मैं पहला पार्ट पढ़ाने वाला हूं, और वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचुरीमीटर, ठीक है। तो यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, वेंचुरीमीटर। थोड़ा सा मैं वेंचुरीमीटर के बारे में बता देता हूं, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था कि वेंचुरीमीटर इज अ फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। फ्लो मेजरिंग डिवाइस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा पाइप होता है, ठीक है, वेंचुरीमीटर क्या करता है, जो भी पाइप में हमारा जो फ्लूइड फ्लो होता है वहां पर हम क्या करते हैं, वेंचुरीमीटर को लगाते हैं। वेंचुरीमीटर में आपका क्या होता है कि मैनोमीटर लगा रहता है जिसमें आपका मरकरी रहता है, और वहां पर हम बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से क्या करते हैं, रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये रहता है हमारा वेंचुरीमीटर, एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग the discharge of the fluid। अब अगर मैं फ्लूइड के डिस्चार्ज की बात यहां पर आप लोगों से कर रहा हूं तो फ्लूइड का डिस्चार्ज को मैं किससे शो करूंगा, फ्लूइड के डिस्चार्ज को मैं क्यू से शो करूंगा या नहीं करूंगा, करूंगा ना। अब यहां पर जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी। जो डिस्चार्ज होता है हमारे पास वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी। अच्छा, यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी हम डिस्चार्ज की बात करते हैं फ्रेंड्स, जब भी हम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि डिस्चार्ज क्या होता है, आपका एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहां पर जो हम एरिया कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, किसी भी पाइप के लिए क्या रहता है, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करते हैं जनरल टर्म्स में, ठीक है। अंटिल एंड अनलेस मुझे अलग से ऐसा कहीं नहीं दिया जा रहा है कि पाइप के फ्लो में कहीं से लीकेज है, ठीक है, तो वो सब जब तक अगर अलग से मुझे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया जाता है तो हम मान के चलते हैं कि भाई हमारी जो पाइप होती है, हमारा ये जो पाइप होता है, मान लीजिए हमारा पाइप है, ठीक है, तो पाइप कैसा होता है, पाइप हमारा कुछ इस टाइप से होता है और यहां पर क्या होता है, मेरा फ्लूइड है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो फ्लूइड जो मेरा फ्लो करता है तो यहां पर हम जो एरिया कंसीडर करते हैं वो एरिया कौन सा कंसीडर करते हैं, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है, यानी कि जो वेलोसिटी का वेक्टर होता है वो इस एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इस एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या होती है, फ्लूइड की वेलोसिटी। तो यहां पर हम इसके एरिया और इसके वेलोसिटी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हमको क्या वैल्यू मिलती है, डिस्चार्ज की वैल्यू मिलती है। अब ऐसा कुछ भी चीज हम वेंचुरीमीटर में नहीं कर रहे, थोड़ा सा समझिएगा, ये मैं बस आपको डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझा रहा था, क्योंकि डिस्चार्ज के बारे में हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स में न्यूमेरिकल में भी कहा था, ठीक है। तो यहां पर अब ये समझिए कि डिस्चार्ज की जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो ये जो मेरा एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और ये जो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट होगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरली होता है,
ठीक है, मान लीजिए कि मैं कह दूं भाई कि यहां से कुछ लीकेज है आपका, यहां से कुछ लीकेज है और यहां से पानी बाहर निकल जा रहा है। आप देखते हैं ना कभी कभी पाइप्स आपकी फट जाती है तो उसमें से भी क्या होता है, पानी फवारा के जैसा ऐसे निकलने लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका जो डिस्चार्ज होता है, यहां पर भी फ्लूइड की कुछ वेलोसिटी से क्या हो रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो यहां पर भी हम डिस्चार्ज का कुछ कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर कुछ फ्लूइड कुछ डिस्चार्ज क्यू से आ रहा है और यहां से क्यू डैश बाहर जा रहा है और ये क्या है क्यू डबल डैश, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश। ठीक है, मतलब क्या है, आपको डिस्चार्ज, मैंने आपको कहा था कि डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहां पर अगर मैं लीकेज की बात करूं तो लीकेज के भी डिस्चार्ज को आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये तो जनरल टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं, ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर डिस्चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हम यहां पर वेंचुरी मीटर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं क्या होता है वेंचुरी मीटर, क्या होता है, एक फ्लो मेजरिंग आपका डिवाइस होता है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस यानी कि वो डिस्चार्ज को ही मेजर करता है। अब क्या होता है वेंचुरी मीटर जो होता है जनरली कहां यूज होता है, जनरली इंडस्ट्रियल पर्पस में ये यूज होता है, बहुत ही कॉमन डिवाइस होता है। ठीक है, वेंचुरी मीटर होता है, ऑरिफिस मीटर होता है। अब ये डिस्चार्ज को मेजर क्यों करते हैं, देखिए इंडस्ट्रियल पर्पस में इसलिए यूज होता है क्योंकि आपके क्या होते हैं बड़े बड़े पाइपलाइंस होते हैं। ठीक है, अब पाइपलाइंस में क्या होता है, आप सिर्फ जरूरी तो नहीं कि आप वाटर को ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप फ्लूइड ऑफ जो दूसरे फ्लूइड्स होते हैं जैसे आप केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, क्रूड ऑयल होता है, ये सब भी तो आप क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो सबसे बेहतरीन जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहता है इन टाइप्स के फ्लूइड्स का वो क्या रहता है, थ्रू पाइपलाइन होता है। ठीक है, तो पाइपलाइन के इसी डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए कि भाई मेरे पाइपलाइन से कितना डिस्चार्ज जो फ्लूइड है मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारा वेंचुरी मीटर जो होता है एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रियल डिवाइस होता है। ठीक है, यहां पर हमने और क्या समझा कि ये जो वेंचुरी मीटर होता है ये हमारा किससे किस पर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। हमने बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, बर्नौलीज इक्वेशन, तो ये बर्नौली इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करते हैं इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ठीक है, नाउ यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझ जाते हैं कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंचुरी मीटर होते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होता है थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंचुरी मीटर होते हैं। तो वी जनरली हैव थ्री काइंड्स ऑफ वेंचुरी मीटर, हमारे पास जनरली थ्री काइंड्स ऑफ वेंचुरी मीटर होता है, वेंचुरी मीटर, तो ये हमारे पास तीन टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है, एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर, दूसरा हमारे पास क्या होता है वर्टिकल वेंचुरी मीटर, और जो तीसरा टाइप का हमारे पास वेंचुरी मीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के वेंचुरी मीटर हमारे पास होते हैं जो जनरली हमारे पास अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इन दो से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर और वर्टिकल वेंचुरी मीटर के कॉन्सेप्ट पर आपका क्या है आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब क्यों पूछे जाते हैं आप लोगों से, देखिए मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला तो बताऊंगा कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता क्या है, इसे मैं आज के लेक्चर में डिराइव भी कराऊंगा, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि जनरली ये जो डेरिवेशन है जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसको हम डेरिवेट करते हैं तो वहां पर क्लियर कट एक बात बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि पूरे डेरिवेशन में हम कुछ नहीं सिर्फ बर्नौली इक्वेशन का ही यूज कर रहे हैं। अगर मैं वेंचुरी मीटर का डेरिवेशन आपसे कराऊंगा ना फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं बर्नौली इक्वेशन का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं। इसीलिए क्या होता है कि जो वेंचुरी मीटर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो वेंचुरी मीटर के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली आपके बर्नौलीज इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में भी क्या कर दिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई हमारे पास तो ये तीन टाइप्स का वेंचुरी मीटर है, हम लोग फिर से इसको थोड़ा अच्छे से इसको लिख लेते हैं। हम वेंचुरी मीटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, वेंचुरी मीटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है हमारा, ठीक है, डिस्चार्ज को मेजर करता है, ओके, बर्नौलीज इक्वेशन पर बेस्ड होता है। ठीक है, तीन टाइप्स का होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, और हमारा क्या होता है इंक्लाइन वेंचुरी मीटर भी होता है। ठीक है, और तो
यहां पर क्या है कि अगर मैं यहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू लिखूं, अगर मैं लिखूं कि भाई वेंचुरी मीटर के लिए जो डिस्चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो आपकी होती है सी डी ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसमें ये जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो क्या क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको थ्रू अ डेरिवेशन समझाने वाला हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने आपसे कहा कि भाई जो आपका वेंचुरी मीटर होता है उसमें जो डिस्चार्ज हमारा निकल के आता है, अब ये डिस्चार्ज है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये हमने किसके लिए लिखा है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये हमने हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर के लिए लिखा है, हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर के लिए मैंने इस फॉर्मूले को लिखा है, और यही फॉर्मूला जनरली हमारा यूज होगा ही होगा, ठीक है। एक एक चीज समझाऊंगा मैं क्या है, लेकिन थ्रू डेरिवेशन ही आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब मैं हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर की बात करता हूं फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर, जब मैं एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर में हमारे पास जनरली तीन सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शंस होते हैं, तीन सेक्शन, मतलब एक वेंचुरी मीटर जनरली इन तीन पार्ट से बना हुआ होता है, ठीक है। एक हमारा होता है कन्वर्जिंग सेक्शन, एक हमारा होता है कन्वर्जिंग सेक्शन, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक होता है हमारा कन्वर्जिंग सेक्शन, दूसरा होता है हमारा थ्रोट, ठीक है, थ्रोट जिसे हम हिंदी में गला कहते हैं, तो ये जो थ्रोट है ये वेंचुरी मीटर का गला भी कहलाता है, तो इस सेकंड पार्ट इज थ्रोट। और थर्ड पार्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा, डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, क्या होता है हमारा, डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर ऐसे पढ़ाते जैसे पूरा रट गया है। एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, आपको अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सक्सेसफुल होना है ना, तो थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ता है, थोड़ा रटना भी पड़ता है। मैं क्या होता है, ये सब चीजें जो है, देखिए कुल मिला के ये तो एक फॉर्मूला है, मैं इसे डिराइव भी कर दूंगा तो भी मैं इसको ला सकता हूं, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या होता है, एक स्मार्ट स्टूडेंट को ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होती है कि गेट के एग्जाम में डेरिवेशन पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर गेट के एग्जाम में डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है अगर मैं उसको कर लूं और उसके एप्लीकेशन पार्ट को प्रॉपरली सॉल्व कर लूं, तो वहां पर मैं न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल बना सकता हूं। तो ये जो होता है एक स्मार्ट वे ऑफ मेहनत होता है। बट क्या होता है कि अगर मैं गेट लेवल की बात करूं तो ये मतलब याद करने के साथ साथ जो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। अगर यही मैं एसएससी जेई या एई के लेवल की, जो स्टेट लेवल के जो एई के जो एग्जाम्स होते हैं, इजी एग्जाम्स नहीं होते हैं, बट यहां पर क्या होता है, अगर आपको रिलेशनशिप पता है, फॉर्मूला पता है, तो 99% आपका काम बन ही जाता है। पर गेट के केस में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। गेट के केस में ना, गेट मतलब वो जो टीचर होते हैं ना, उनको ये पता रहता है कि अगर बंदा गेट का एग्जाम दे रहा है, ₹2000 फॉर्म का भर रहा है, तो उसको ये बेसिक चीज तो पता होगी, उसका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है वो ये देखना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो यहां पर खासकर गेट में, तो यहां पर आपके साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ आपको याद करने की भी आपकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए। क्यों अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन जो आप लोगों का जो मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है, उसमें आप जानते हैं कि कितना ज्यादा थ्योरिटिकल पार्ट उसमें पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी है उसमें, बट थ्योरिटिकल पार्ट भी बहुत सारा होता है। अब अचानक से आपसे कोई पूछ दे यार एरिक्सन साइकिल क्या होता है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, एरिक्सन साइकिल पढ़ा तो था। तो यहां पर थोड़ी सी बात आ जाती है कि ठीक है कॉन्सेप्ट अपनी जगह भी सही है, पर थोड़ा सा यार यहां रटने की जो ताकत होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाते हैं। तो मेरे पास जो एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर होता है ना फ्रेंड, तो हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर पर आपके तीन टोटल उसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका कन्वर्जिंग सेक्शन, एक होता है थ्रोट, और एक होता है डाइवर्जिंग सेक्शन। अब इसको मैं क्या करता हूं फ्रेंड, अच्छे से ड्रॉ करता हूं। चलो इसको मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ करता हूं। देखिए मान लेता हूं कि ये मेरा एक पाइप है, ये मेरा एक पाइप है, ठीक है, ये मेरा एक पाइप है, ठीक है, ये मेरा पाइप है। इसके बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका एक कन्वर्जिंग सेक्शन आ जा रहा है, ओके। उसके बाद आपका थ्रोट आता है, उसके बाद आपका डाइवर्जेंट सेक्शन आता है, ये आपका डाइवर्जेंट सेक्शन है,
और उसके बाद आपका ये आउटलेट हो जाता है। ओके चलिए, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, ये होता है आपका कन्वर्जेंट सेक्शन, कन्वर्जेंट सेक्शन ऑफ वेंचुरीमीटर, ये आपका होता है थ्रोट, और ये होता है आपका डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सेक्शन, ये आपका होता है इनलेट, सॉरी ये कन्वर्जेंट सेक्शन जो होता है आपका, यहां पर थोड़ा सा मैंने यहां पे गलती कर दिया, ये आपका कन्वर्जेंट सेक्शन होता है, ये थ्रोट होता है, ये डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। चलो यहां पर एक और चीज मैं कर देता हूं, इस थ्रोट को मैं यहां पर इस टाइप से ऐसे बना देता हूं, इस टाइप से मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये आपका इनलेट सेक्शन होता है, ऑफ कोर्स यहां से मैं मान के चलता हूं कि जो फ्लूइड है आपका, वो फ्लूइड का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से, आपके फ्लूइड का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो कैसा है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये आपका फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन है, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि फ्लूइड फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा जी चलिए, अब यहां पर आपका एक इनलेट सेक्शन होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम इनलेट कहते हैं, इसे हम इनलेट कहते हैं, इनलेट ऑफ पाइप, ठीक है। ये मेरा इनलेट होता है और ये मेरा क्या होता है, आउटलेट होता है, ये मेरा क्या होता है, आउटलेट होता है, ठीक है। अगर ये दोनों इनलेट और आउटलेट ऑफ द पाइप है, तो यहां पर आप एक बात तो समझ सकते हैं कि यहां पर जो आपका डायामीटर होगा, यहां पर जो डायामीटर होगा उसको वो बराबर होगा, चाहे आप इनलेट सेक्शन की बात करें या चाहे आप आउटलेट सेक्शन की बात करें, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपके पास यहां पर एक मैनोमीटर भी होता है, कुछ इस टाइप से मैनोमीटर होता है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास मैनोमीटर होता है और ये इन दो सेक्शन में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये मैंने मैनोमीटर लगा दिया, यहां पर क्या होता है आपका फ्लूइड होगा, चलो भाई फ्लूइड बना देता हूं, यहां पर ये फ्लूइड हो जाता है, यहां पर फ्लूइड हो जाता है, ये मेरा फ्लूइड हो गया, और यहां पर ये जो फ्लूइड है, इन दोनों के बीच का जो प्रेशर हेड है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको मैं क्या कर देता हूं, एच से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो फ्लूइड है वो मेरा क्या है, एच जी यानी कि मरकरी है। तो ये आपका एक पूरा डायग्राम बना। अच्छा इसमें अभी भी थोड़ी सी कमी है, वो कमी क्या है कि यहां पर जो एंगल होता है कन्वर्जेंट एंगल, ये कन्वर्जेंट एंगल होता है और ये यहां पर क्या होता है, डाइवर्जेंट एंगल होता है। तो यहां पर अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो यहां पर ये जो थीटा होता है ये अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री के आसपास होता है, और ये जो डाइवर्जेंट सेक्शन होता है इसका जो एंगल होता है 5-6 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। थ्रोट कन्वर्जन सेक्शन और यहां पर ये एंगल कितना होता है, 22 डिग्री होता है। तो ये जो आपका पूरा डायग्राम बना है फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहां पर आपके लिए डायग्राम बनाया है, यही डायग्राम आपका किसका है, वेंचुरीमीटर का डायग्राम है। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये देखिए, ये आपका क्या होता है, ये इनलेट सेक्शन होता है, ये आपका आउटलेट होता है, ये इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन ऑफ द पाइप है, तो पाइप है तो दोनों का डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। यहां पर उसके बाद आता है आपका कन्वर्जेंट सेक्शन, उसके बाद आपका आता है थ्रोट, और ये वाला आपका क्या होता है, डाइवर्जेंट सेक्शन होता है। अब यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर जो कन्वर्जेंट सेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू द डाइवर्जेंट सेक्शन, और इसका जो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है, ये एंगल ऑफ कन्वर्जेंस का जो रेंज होता है वो 22 डिग्री है, कुछ बुक्स में 20 डिग्री दे देते हैं, कुछ बुक्स में 22 डिग्री दे देते हैं, तो इसको मैं 22 डिग्री सेफ साइड लेके चल रहा हूं। और जो ये जो डाइवर्जेंट सेक्शन है इसका जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है ये 5-6 डिग्री होता है। अब ये जानबूझ के नहीं किया जाता फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने डायग्राम गलत बनाया, डायग्राम बिल्कुल सही है। अब यहां पर जो ये एंगल का डिफरेंस होता है वो जस्ट क्यों होता है, मैं आपको बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता देता हूं। ये जो होता है ड्यू टू, मतलब क्या करते हैं, टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन, एक टर्म होता है फ्रेंड्स, फ्लो सेपरेशन, ठीक है, फ्लो सेपरेशन होता है। इस फिनोमिना को अवॉइड करने के लिए जो डाइवर्जेंट सेक्शन होता है उसका ये डाइवर्जेंट एंगल क्या होता है,
कम होता है, बस अभी आप इतना समझिए। अच्छा, फ्लो सेपरेशन जो होता है, जब मैं बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इसको पढ़ाऊंगा कि फ्लो सेपरेशन क्या होता है। अभी के लिए बस आप ये समझ के चलिए कि एक अनडिजायरेबल फिनोमिना है, और मैं नहीं चाहता कि फ्लो के दौरान फ्लो सेपरेशन हो। आपको जैसे होता है ना, मतलब बोल के ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ अनडिजायरेबल फिनोमिना है। मैं चाहता हूं कि मैं अगर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं वेंचुरी मीटर के केस के लिए, तो वहां पर क्या हो, फ्लो कंटिन्यूअस हो, किसी भी तरह का फ्लो सेपरेशन ना हो। ठीक है, तो जो फ्लो सेपरेशन को रोकने के लिए ही मैं वेंचुरी मीटर को कुछ इस तरह से क्या करता हूं, डिजाइन करता हूं। अब यहां पर मैं दो सेक्शन मान के चलता हूं फ्रेंड्स। कौन कौन से दो सेक्शन मान के चलता हूं, चलिए मैं दिखा देता हूं। एक सेक्शन में ये वाला मान के चल रहा हूं, ये वाला सेक्शन मान के चल रहा हूं, जिसको मैं सेक्शन नंबर वन बोल रहा हूं। ये एक मेरा सेक्शन है, दिस इज सेक्शन नंबर वन, ये मेरा सेक्शन नंबर वन है। और यहां पर जो ये मरकरी, जहां जहां पर मेरी मरकरी लगी, ठीक है, जहां जहां पर मेरा मैनोमीटर है, इसको मैं मान लेता हूं सेक्शन टू। अब ये डायग्राम को आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसके नीचे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके नीचे अब इसका बर्नौली इक्वेशन से डिस्चार्ज की वैल्यू को निकालने वाला हूं। ठीक है, अभी हमको क्या पता है, अभी हमको पता है कि भाई डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एरिया इनटू वेलोसिटी। अगर मैं ये दोनों सेक्शंस के लिए बात कर रहा हूं, दोनों सेक्शन में आपका क्या जो फ्लूइड है आपका फ्लो हो रहा है, तो दोनों सेक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं कि भाई डिस्चार्ज इज इक्वल टू ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, ए टू वी टू। इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, ये मेरा डिस्चार्ज का रिलेशन होता है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस वेंचुरी मीटर के लिए पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू में मैं बर्नौली इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई भी एनर्जी हेड लॉस नहीं हो रहा है, देयर इज नो हेड लॉस। मैं यहां पर क्या मान के चल रहा हूं, देयर इज नो हेड लॉस। ठीक है, यहां पर कोई भी हेड लॉस नहीं हो रहा है, तो अगर यहां पर कोई भी हेड लॉस नहीं हो रहा है, तो मैं पॉइंट वन और पॉइंट टू के लिए अगर मैं बर्नौली इक्वेशन यहां पर लगाऊंगा, तो बर्नौली इक्वेशन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं टोटल एनर्जी हेड एट पॉइंट वन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हेड एट पॉइंट टू। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये आपने क्या लिखवा दिया, तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, यहां पर मैंने पाइप के लिए लिखवाया था ना आप लोगों को, पाइप के लिए क्या होता है, पाइप के लिए क्या होता है, एच वन इज इक्वल टू एच टू, और अगर हेड लॉस कंसिडर कर रहा हूं तो एच वन इज इक्वल टू एच टू प्लस एच एफ। तो यहां पर क्या है, अगर मैं कोई भी हेड लॉस को कंसिडर नहीं कर रहा हूं तो एच एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एच एफ की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, नाउ अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां पर अप्लाई करता हूं, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू बाय रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू। ये मेरा होगा या नहीं होगा, यही इक्वेशन मेरा लगेगा। अगर मैं बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं तो यही इक्वेशन मेरा लगेगा कि नहीं लगेगा, यही इक्वेशन मेरा लगेगा। अब यहां पर थोड़ा सा वापस आइए, यहां पर मैंने आपसे कहा है कि अगर मैं प्रेशर वन और प्रेशर टू की वैल्यू की बात करूं, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, मैं इन दो वैल्यूज की बात कर लेता हूं, सबसे पहले मैं इन दोनों की वैल्यू की बात कर लेता हूं, जेड वन जेड टू की बात कर लेता हूं। जेड वन जेड टू क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस है, एक वर्टिकल हाइट के लिए हम इसको डिनोट करते हैं। अगर मैं यहां पर पॉइंट वन, सेक्शन वन और सेक्शन टू को अगर मैं यहां पर लेके चल रहा हूं, ठीक है, सेक्शन और सेक्शन टू को मैं लेके चल रहा हूं, तो ये दोनों सेक्शन आपस में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है या नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जेड वन जेड टू के बराबर हो जाएगा, या फिर मैं लिख सकता हूं कि इनकी कोई डेटम से हाइट ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको भी मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां से ऐसे लिख देता हूं। तो यहां पर जो मैंने ये इक्वेशन लिखा है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, Z1 की वैल्यू, Z1 और Z2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या होगा, पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी इज इक्वल टू पी टू बाय रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी। ये मेरे पास रिलेशन बचा कुछ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर के टर्म्स को एक जगह रख लेता हूं और वेलोसिटी वाले टर्म्स को एक जगह रख लेता हूं। तो चलो भाई क्या आ रहा है मेरे पास, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पी वन बाय रो जी माइनस पी टू बाय रो जी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, वी टू स्क्वायर बाय टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू जी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। चलो
अब ये वाला जो टर्म है फ्रेंड्स मेरे पास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रेशर हेड का डिफरेंस क्रिएट हो रहा था वो हम किसमें मेजर कर रहे थे, वो हम इसी मैनोमीटर में मेजर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और यही जो प्रेशर डिफरेंस जो इन टर्म्स ऑफ मैनोमीटर कर रहे हैं वही क्या आ रहा है, जो ये एच है यही क्या है मेरा प्रेशर हेड, जो मेरा प्रेशर हेड है वो दोनों पॉइंट्स के प्रेशर हेड का डिफरेंस है। देखिए यहां पर इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर हेड कितना आ रहा होगा, पी1 बाय रो जी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, और यहां पर जो ये टोटल प्रेशर हेड है ये कितना आ रहा होगा, पी2 बाय रो जी आ रहा होगा। तो ये एच जो है एक्चुअली इन दोनों प्रेशर हेड का डिफरेंस ही है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि वी2 स्क्वायर बाय 2g माइनस वी1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू एच। और याद रखिएगा ये जो एच होता है ये मीटर में होता है। देखिए यहां पर जो मरकरी लेवल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मरकरी लेवल का जो डिफरेंस है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर प्रेशर हेड के डिफरेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो मरकरी का जो ये लेवल है ना, ये अपर लेयर और ये लोअर लेवल, इसके बीच का डिफरेंस वो अलग चीज हो जाएगा। मैं अभी बस आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर इन दोनों पॉइंट्स पर क्या है, इन दोनों पॉइंट्स पर आपका क्या है, मरकरी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पर आपके कुछ प्रेशर हेड की वैल्यू है, तो यहां पर ये जो प्रेशर हेड की जो वैल्यूज है उनका डिफरेंस एच के बराबर है। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू जी कॉमन ले लिया इज इक्वल टू क्या हो गया एच। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। ठीक है, ये मेरे पास एक क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, चलो भाई इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहां से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, फिर से मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, मैंने बताया था कि ये आपके पास एक रिलेशन होता है दैट A1V1 इज इक्वल टू A2V2, हमारे पास एक रिलेशन होता है डिस्चार्ज का। तो अगर डिस्चार्ज का मेरे पास ये रिलेशन होता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, तो V2 को मैं क्या लिख सकता हूं, V2 को मैं लिख सकता हूं A1V1 अपॉन A2, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। और एक्चुअली मैं अगर मैं इसे वेंचुरी मीटर के लिए बोलूं, अगर मैं इसे वेंचुरी मीटर के लिए यहां पर बोलूं तो यहां पर सेक्शन वन का जो एरिया है इसी को मैं A1 एज्यूम करके चल रहा हूं, और ये जो थ्रोट एरिया है इसी को मैं A2 एज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर A1 क्या है, A1 है आपका पाइप का एरिया, A1 है आपका पाइप एरिया, और A2 जो है आपका, A2 क्या है आपका थ्रोट एरिया, A2 आपका क्या है थ्रोट एरिया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, नाउ यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मैं इस v2 की वैल्यू को क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं, जो v2 का ये रिलेशन है मैंने इसको यहां पे पुट किया। ठीक है, तो ये पर मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आया a1 v1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर माइनस v1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। ठीक है, अब यहां पर ना फ्रेंड्स, यहां पर आप कॉन्सेप्ट वाला काम खत्म हो गया है, अब यहां पर सिर्फ मैथमेटिक्स बच गया है, तो चलो मैथमेटिक्स लगा देते हैं। V1 स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां पर क्या बचेगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टू जी एच। चलो यहां पर ये क्या मिला, V1 स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या मिला, यहां से मुझे मिला v1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से v1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, v1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट a2 स्क्वायर 2gh अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास v1 की जो फाइनल वैल्यू आ जाती है फ्रेंड्स, अब देखिए ये a2 का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गई, वी वन यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट वन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्योंकि मुझे वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है भाई, अगर मुझे यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है, मुझे यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है, मुझे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट वन पर वेलोसिटी की वैल्यू, वी वन की वैल्यू मिल गई है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई वी वन की वैल्यू क्या है, वी वन की वैल्यू है ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस
ए टू स्क्वायर, तो यहां पर डिस्चार्ज में निकाल सकता हूं, डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है, डिस्चार्ज की वैल्यू होती है ए वन इंटू वी वन, तो बस यहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच, मैंने बस वी वन की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। लीजिए भाई डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। लेकिन अभी भी पूरा काम खत्म नहीं हुआ, ये सारा जो हमने निकाला है इस वेंचुरी मीटर के लिए, सारा जो हमने कैलकुलेट किया, इतना जो तामझाम किया, ड्राइंग बनाया, कंडीशंस को देखा, फ्लो सेपरेशन के बारे में थोड़ा सा समझा, उसके बाद क्या किया, हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन को लगा दिया, डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट में वेलोसिटी की वैल्यू को पुट किया, और उसके बाद हमने इस डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल दी। लेकिन यहां पर क्या होता है, हमने ये जो डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट किया फ्रेंड्स, ये मेरी थ्योरिटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू होती है, ये मेरी किसकी वैल्यू होती है, थ्योरिटिकल डिस्चार्ज की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कि ये जो डिस्चार्ज है ये मैक्सिमम वैल्यू है जिसके वजह से फ्लूइड मेरा क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है, मतलब इतना मैक्सिमम डिस्चार्ज है, फ्लूइड जो है बाहर निकल रहा है मेरे पाइप से, ठीक। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना, ये थ्योरिटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल में ना क्या होता है, आपका क्यू एक्चुअल होता है, ठीक है, क्यू एक्चुअल होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सीडी, यानी कि कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज करके यहां पर एक वैल्यू होती है, उसको मैं क्या कर देता हूं, क्यू थ्योरिटिकल से यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर अगर मैं एक्चुअल डिस्चार्ज की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, सी डी ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि डिस्चार्ज की वैल्यू हमारी यही होती है, ठीक है, ये देखिए यही वैल्यू हमने पढ़ा था, और इसी को मैंने क्या किया, इसी को मैंने यहां पर प्रूफ करके दिखा दिया, ये देखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक वेंचुरी मीटर लिया, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को, हमने वेंचुरी मीटर लिया, वेंचुरी मीटर में हमने क्या किया, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, वेंचुरी मीटर मेरे टिपिकली तीन टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और कैसा होता है मेरा, इंक्लाइन। मैंने सबसे पहले क्या किया, हॉरिजॉन्टल का केस समझा, हॉरिजॉन्टल के केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में मैं थोड़ा सा यहां पर इसको ना क्लियर कर देता हूं, सबको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूं, तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होता है, एक आपका इनलेट सेक्शन होता है, एक आपका आउटलेट सेक्शन होता है, इनलेट सेक्शन से आउटलेट सेक्शन में क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ओके। इसका नाम एक कन्वर्जिंग पार्ट होता है, एक थ्रोट होता है, और एक क्या होता है आपका डाइवर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट आपका कंपेयर टू डाइवर्जेंट पार्ट क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन उसका जो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो ज्यादा होता है, कितना होता है, 20 to 22 degree, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो डाइवर्जेंट सेक्शन होता है उसका जो डाइवर्जेंट एंगल होता है वो 5 to 6 degree के क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि फ्लो सेपरेशन ना हो, तो फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। अब यहां पर आपका क्या होता है, मैनोमीटर लगा रहता है, मैनोमीटर में जनरली जो फ्लूइड होता है, हमने डिस्कस किया था कौन सा फ्लूइड होता है, मैनोमीटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई वो प्रेशर की भी वैल्यू हमें अच्छे से दे देता है, और वहां पर उसका वेपर प्रेशर की भी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो लो भाई मैंने यहां पर मरकरी भी यूज कर लिया। अब यहां पर मैंने दो सेक्शन को एज्यूम किया, सेक्शन नंबर वन और दूसरा क्या था, सेक्शन नंबर टू। ये दोनों सेक्शन आपस में क्या थे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे थे, तो इनका क्या था, जेड की वैल्यू, यानी कि जो डेटम से जो हाइट है वो बराबर थी। मैंने माना था कि प्रेशर हेड एट पॉइंट वन, प्रेशर हेड एट पॉइंट वन पी वन बाय रो जी है, और प्रेशर हेड एट पॉइंट टू कितना है, पी टू बाय रो जी है, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो एच के बराबर है, ठीक है। ये जो मरकरी लेवल है ना फ्रेंड्स, इन मरकरी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है उनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। और ये प्रेशर हेड का डिफरेंस और इस एक्स में एक रिलेशन होता है, उसको भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मैं मान के चल रहा था कि यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देखिए यहां पर क्या है, डी है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा पाई बाय 4 इनटू डी का स्क्वायर, जो इनलेट सेक्शन का था। लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 2 है, जो सेक्शन नंबर 2 है, ये थ्रोट का डायमीटर होता है, ठीक है। तो थ्रोट के डायमीटर के रिस्पेक्ट में जो हम ए2 को कैलकुलेट करते हैं वो होता है एरिया ऑफ द थ्रोट। नाउ यहां पर हमने क्या किया, बर्नौली इक्वेशन को लगा दिया। जैसे ही मैंने बर्नौली इक्वेशन को लगाया, यहां पर जो डेटम वाला जो था ये दोनों बराबर था, और कितना था, जीरो के बराबर,
उसके बाद क्या किया हमने यहां पर इस इक्वेशन में प्रेशर के टर्म्स को एक जगह रख दिया, वेलोसिटी के टर्म्स को एक जगह रख दिया, और यही जो प्रेशर हेड का डिफरेंस था वो किसके बराबर था, एच के बराबर था। यहां से हमने v2 square minus v1 square की एक कॉमन वैल्यू निकाल दी और वो कितनी थी 2gh। उसके बाद डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट से, जो डिस्चार्ज का आपका फॉर्मूला होता है कि a1 v1 = a2 v2, तो वहां पर v2 की वैल्यू को लिख के मैंने क्या किया, उसको सिंपली मैंने क्या कर दिया, मैथमेटिकली सॉल्व किया, और यहां पर फाइनली आपका मैंने क्या किया, फाइनली यहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या हुआ रिलेशन, तो ये रहा आपका क्या हुआ वेंचुरी मीटर, और ये उसका क्या हुआ रिलेशन हुआ। ठीक है, थोड़ा डिजिटल बोर्ड का फायदा तो मिलता है, एक साथ लिख दो फिर उसको रिवाइज भी कराने में आसानी होती है, व्हाइट बोर्ड में एक बार हमने ये पढ़ा दिया मिटा दिया फिर वो चीज बताया नहीं बनता। नाउ हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा, इतना करने से अच्छा है मैं डायरेक्ट यहीं चला जाता हूं, हमने अभी देखा कि जो मेरे डिस्चार्ज की वैल्यू थी वो कितनी थी, सी डी ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू था। ठीक है, ओके, ये मेरे पास वैल्यू था। नाउ यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, हमें लगभग सारी चीजें क्वेश्चंस में दे दी जाती है, यहां पर जो हमारे पास कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज होता है ना फ्रेंड्स, जो हमारे पास कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो ये क्या कहला जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज टू दी थ्योरिटिकल डिस्चार्ज, टू दी थ्योरिटिकल डिस्चार्ज, यही मेरा क्या कहलाता है, यही मेरा कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज कहलाता है। अब यहां पर एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वो हम वेंचुरी मीटर के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, वो हम किसके लिए ऑरिफिस मीटर के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहां आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर जो वेंचुरी मीटर होता है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, वो जो होता है 0.98 से 0.99 के बराबर होता है। तो यहां पर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो यहां पर कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर की वैल्यू ना काफी हाई होती है, काफी अच्छी होती है, इसलिए जो हमें रीडिंग मिलती है ना वो रीडिंग हमें काफी एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं, अगर आप मैं बोल दूं कि भाई जो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज है वो 98 या फिर 99% ऑफ, या फिर 99% ऑफ क्या होता है, थ्योरिटिकल डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहां पर मैं लिख तो सकता हूं ना कि क्यू एक्चुअल इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू क्यू थ्योरिटिकल, लिख सकता हूं कि मैं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। इसीलिए क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो रीडिंग हमें वेंचुरी मीटर देता है रिगार्डिंग द डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसीलिए वेंचुरी मीटर जो होता है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, एक कहावत होती है ना, तो भाई महंगी चीज लगा दो एक बार और उसके बाद मजा लो। ठीक है, तो जनरली जो इंडस्ट्रियल पर्पस में क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा, देखिए इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बेस्ट डिवाइस है अगर मैं डिस्चार्ज मेजरिंग की बात करूं, पर ये बहुत ज्यादा जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, नाउ यहां पर कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की भी वैल्यू मैंने बता दी। अब यहां पर देखिए जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में एक टर्म्स है एच, एच क्या होता है हमारा, ये होता है डिफरेंस इन प्रेशर हेड ऑफ द टू पॉइंट्स, ये क्या होता है डिफरेंस इन प्रेशर हेड। ठीक है, अब टू पॉइंट्स यहां पर कौन कौन से, प्रेशर हेड एट पाइप एंड थ्रोट, पाइप एंड थ्रोट ऑफ वेंचुरी मीटर, थ्रोट ऑफ वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर मतलब आपके पास पाइप में कुछ प्रेशर हेड था और उसके बाद जो थ्रोट था वेंचुरी मीटर का उस पे भी कुछ प्रेशर हेड था, दोनों प्रेशर हेड का जो डिफरेंस होता है वही इस एच के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये एच उसके बराबर होता है तो मैं एच को क्या लिख सकता हूं, एच को मैं लिख सकता हूं पी वन बाय रोजी माइनस क्या हो सकता है ये पी टू बाय
रोजी, इसको मैं लिख सकता हूं। इसका जो यूनिट होता है वो किस में होगा, मीटर में होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहां पर अगर आपको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हेड के डिफरेंस पर नहीं दिया गया है और आपको यह बोल दिया गया है कि भाई आपका यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं वेंचुरी मीटर के पास आ जाता हूं, बोल देगा कि भाई जो भी आपका मरकरी लेवल है, जो भी मरकरी लेवल है उसमें जो मरकरी का जो हाइट डिफरेंस है, यहां पर ज्यादा प्रेशर है यहां पर कम प्रेशर है, तो यहां पर ज्यादा प्रेशर है तो मरकरी का जो कॉलम हाइट होगा वो ज्यादा होगा, यहां पर कम प्रेशर है तो यहां पर कम हाइट होगा, क्यों कम। अब आप लोग में से कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे सर क्यों कम हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से समझिए, बर्नौली इक्वेशन पढ़ते हैं। बर्नौली इक्वेशन में प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड आपका कांस्टेंट रहता है, चाहे मैं 0.1 की बात करूं या चाहे मैं 0.2 की बात करूं, ठीक है। तो डेटम हेड तो दोनों के लिए बराबर है, अगर डेटम हेड दोनों के लिए बराबर है तो बाप रे यहां तो हर जगह में लिख के रखा हूं, अगर डेटम हेड दोनों के लिए बराबर है तो प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड आपका क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, चाहे मैं 0.1 के लिए बात करूं या 2 के लिए बात करूं। तो अगर कहीं वेलोसिटी हेड इंक्रीज होगा तो वहां पर प्रेशर हेड क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और कहीं अगर आपका प्रेशर हेड इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी हेड वहां पर डिक्रीज होगा। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो थ्रोट का है वो कंपेयर टू पाइप क्या है, कम है या ज्यादा है, कम है। तो अगर यहां पर थ्रोट का एरिया कम है तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहां पर वेलोसिटी हेड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर यहां पर वेलोसिटी हेड ज्यादा होगी तो प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, यहां पर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और यहां पर प्रेशर हेड क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके डिस्चार्ज की वैल्यू को निकाला जाता है। तो चलो भाई फिर से आ जाते हैं हम लोग यहां पर। तो अगर मेरे पास डिफरेंस इन मरकरी लेवल, अगर मेरे पास डिफरेंस इन मरकरी लेवल, ठीक है, डिफरेंस इन मरकरी लेवल एक्स सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी दिया गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर एच की एक वैल्यू होती है, वो होती है एक्स टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड माइनस वन। इसको नोट डाउन कर लीजिए भैया, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहां पर इस रिलेशन का क्या मतलब हुआ, यहां पर देखिए अगर क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे दी जा रही है तो वहां से आप डायरेक्टली h की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए इस रिलेशन को आप थोड़ा ध्यान रखिए, इस रिलेशन को आप लिख लीजिए। देखिए मरकरी में अगर फ्लूइड, मरकरी का फ्लूइड अगर फ्लोइंग फ्लूइड, ये आपका है फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है, ये आपका है फ्लोइंग फ्लूइड, कौन सा फ्लोइंग फ्लूइड, जो आपके पाइप में फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि आपके पाइप में क्या क्या फ्लो हो रहा है, मान लीजिए वाटर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि यहां पर क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, और यहां पर जो आपका मरकरी है, मरकरी में सॉरी जो आपका मैनोमीटर है, मैनोमीटर में कौन सा फ्लूइड है, मान लीजिए मरकरी है, तो मरकरी का डेंसिटी आपके फ्लोइंग फ्लूइड के डेंसिटी से ज्यादा है। तो अगर इसका डेंसिटी से ज्यादा है तो हम यहां पर एच को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे और जो ऐसा यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी खुद एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, वन एक कांस्टेंट है और एक्स किस में हम रखेंगे, मीटर में रखेंगे, तो यहां पर जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो भी किस में आ जाएगी, मीटर में आएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या चीजें याद रखनी है, यहां पर आपको ये दो चीजें याद रखनी है, पहली आपको डिस्चार्ज की वैल्यू याद रखनी है, डिस्चार्ज होता है सीडी A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। एक ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है और एक आपको इस हेड के लिए, ये जो H है इसी का रिलेशन यहां पर जो मैंने लिखा है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन पार्ट भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब दोनों केसेस के लिए अगर टाइम बचा है तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं, यहां पर चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। ओके चलो भाई, चलिए अब ज्यादा ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और मैं इंक्रीज बड़ा सा कर देता हूं। देखिए क्या लिखा है, अ वेंचुरी मीटर हैज नो एरिया, हैज एरिया रेशियो ऑफ 9:1, ठीक है। वेंचुरी मीटर हैज एरिया रेशियो होगा फ्रेंड्स, यहां पर एरिया रेशियो होगा 9:1, द लार्जर डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर, ड्यूरिंग द फ्लो द रिकॉर्डेड प्रेशर हेड इन द लार्जर सेक्शन इज 6.5 मीटर एंड द थ्रोट इज 4.25 मीटर, कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ द लिक्विड इन लीटर पर सेकेंड।
ओके ओके, आपसे यहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू पूछा है, आपको क्वेंचुरी मीटर दिया गया है, वहां पर आपको डिस्चार्ज की वैल्यू लीटर पर सेकंड पे पूछ रहा है। टेक कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.99। ओके, तो देखिए यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वेंचुरी मीटर के लिए काफी हाई होती है, और यहां पर आपको दिया भी गया है 0.99। इसके अलावा आपसे क्या दिया गया है कि एरिया का जो रेशियो है, एरिया का जो रेशियो है वो क्या है, 9:1 है, और जो बड़ा वाला डायमीटर है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर है। तो चलो भाई इसको हम लोग बना लेते हैं, इसको तो मैं क्या कर देता हूँ, डायग्राम हम बना लेते हैं। तो चलो वेंचुरी मीटर का डायग्राम जल्दी से बनाते हैं, एकदम जल्दी, एक बार आपको अगर आदत लग जाएगी ना तो बड़ी जल्दी इसके फिर न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। ये मैंने थ्रोट बना दिया, ठीक है, वैसे थ्रोट इतना लंबा तो होता नहीं है, छोटा सा होता है, छोटा सा ही बनाना चाहिए, छोटा सा ही बनाएंगे। ये थ्रोट हो गया, ये आपका डाइवर्जेंट सेक्शन हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, आउटलेट हो गया, ये आपका क्या हो गया, आउटलेट हो गया, ठीक है, एक दो, ठीक है, ये आपका हो गया जी, ये आपका कुछ 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 बना देता इसको, बहुत बहुत जल्दी जल्दी बना दूंगा। ये आपका थ्रोट हो गया, ओके, यहाँ पर मैं मैनोमीटर भी बना देता हूँ, आपका मैनोमीटर भी बना देता हूँ, ये आपका एक हुआ और ये आपका क्या हुआ, दूसरा हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ पर मरकरी लेवल होगा कुछ। देखिए जब भी आप डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा समझने में। एक्स से डिनोट करते हैं, ये आपका फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, तो वहां पर उसको हम क्या लिख देंगे, गिवन की वैल्यूज में लिख देंगे। आपको दिया है एरिया रेशियो 9:1 है, अगर मैं सेक्शन को 1 मान रहा हूं और इस सेक्शन को 2 मान रहा हूं, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है A1:A2 is equal to 9:1। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आपको आपको डायमीटर ऑफ सेक्शन 1 दे दिया गया है, डायमीटर ऑफ सेक्शन 1 यानी कि D1 आपको दे दिया गया है, D1 है आपका 30 सेंटीमीटर। तो अगर D1 आपका 30 सेंटीमीटर है तो A1 क्या हो जाएगा, π/4 into D1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। D1 आपका 30 सेंटीमीटर है तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मीटर में ये क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर। तो चलो भाई एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलसी है मेरे पास, कैलसी हमेशा रखा करिए, ये आपका वैल्यू आ जा रहा है फ्रेंड्स 0.785 इंटू, ये आपका 0.3 का स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ रहा है 0.07065 मीटर स्क्वायर। कोशिश किया करिए अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेने का, मैं यहां पर बहुत ज्यादा ले रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ले रहा हूं, पर आप कोशिश करिए कि जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए गेट में अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आप जरूर यूज करें, ठीक है, नहीं तो आंसर में थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो जाएगा तो फिर मार्क्स कट सकता है आपका, ओके। अगर A1 आपका आ गया तो A1/A2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9/1 है, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से A2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं A1/9, ठीक है, तो यहां पर A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.07065/9, तो इसको मैं कर देता हूं डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपका आंसर आ रहा है 7.85 इंटू 10^-3, ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। चलो भाई तो आपका A1 की भी वैल्यू आ गई, आपके A2 की भी वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आपका क्या दिया है, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू दी गई है, लीजिए भाई कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज 0.99 मैंने लिख दिया। इसके अलावा क्या बोला है, ड्यूरिंग द फ्लो द रिकॉर्डेड प्रेशर हेड इन द लार्जेस्ट सेक्शन, मतलब यहां पर P1/ρg की वैल्यू दे दी गई है भाई, आपको P1/ρg की भी वैल्यू दे दी गई है और यहां पर P2/ρg की भी वैल्यू आपको दे दी गई है, तो एक है आपका 6.5 मीटर और दूसरा आपका 4.25 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 6.5 मीटर और दूसरा आपका क्या है 4.25 मीटर। अब मुझे यहां पर क्या कैलकुलेट करने बोला गया है भाई, मुझे यहां पर डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने बोला गया है, तो लो भाई डिस्चार्ज का वैल्यू क्या होता है, CD A1 A2 √2gh / √A1² - A2² तो मेरे पास सब कुछ है, CD की वैल्यू है, A1 A2 की वैल्यू है, H की वैल्यू नहीं है।
अभी मैंने पढ़ाया था ना कि जो h की वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्रेशर हेड का डिफरेंस होता है p1 बाय रो जी माइनस p2 बाय रो जी। तो यहां पर भाई इसको लिख दो, यहां पर इसको कैलकुलेट कर दो, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.5 माइनस 4.25, तो ये कितना आ जाएगा, 2.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, ये आपकी h इन टर्म्स ऑफ मीटर आ रही है। तो बस यार यहां पर पुट कर दो जो भी वैल्यू है आपका, 0.99 इनटू a1 की वैल्यू कितना कैलकुलेट किया था यार, 0.07065 इनटू यहां पर a2 की वैल्यू क्या थी, 7.85 इनटू 10 to the power -3 इनटू अंडर रूट 2 इनटू 9.81 इनटू 2.25 डिवाइडेड बाय पूरा इतना टर्म डिवाइडेड बाय यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 0.07065 का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, 7.85 इंटू 10 to the power -3 का स्क्वायर। तो इतना लंबा सा है फ्रेंड्स ये, इतना कैलकुलेट आपको कैलसी में करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है। ठीक है, तो चलो इसको भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, वैसे मेरे पास बुक नहीं है जिसमें वो, जिस बुक से मैंने लिया था वो बुक अभी मेरे पास है नहीं। ठीक है, काफी दिन पहले मैंने क्वेश्चन टाइप करके लिखवा दिया था, चलो मैं आप लोगों के लिए इसको कर ही लेता हूं। ये आपका आंसर आ रहा है 0.519, ये आपका क्या आ रहा है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे तो ये आपका इन टर्म्स ऑफ लीटर पर सेकेंड निकालना है, तो 51.9 लीटर पर सेकेंड आपका यहां पर आंसर आ रहा है। हो सकता है यहां पर कैल्सी में मैंने कुछ पुट करने में गलती कर दिया हो, मेरे को एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है, बट जो भी मैंने यहां पर क्वांटिटी लिखी है फ्रेंड्स वो सही लिखी है। इसके बाद आपका यहां पर काम हो जाता है कि आप इसको कैल्सी में कितना स्मार्टली पुट कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, वो क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर मैं इमेज में जाता हूं। ओके, चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अ वेंचुरीमीटर हैविंग थ्रोट डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द डिफरेंशियल मरकरी मैनोमीटर शोस 25 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइपलाइन, टेक द कोफिशियंट ऑफ वाटर, कोफिशियंट ऑफ वाटर नहीं होगा यहां पर, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज होगा यहां पर, कोफिशियंट ऑफ ये क्या होगा डिस्चार्ज। ठीक है, टेक द कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.96। तो चलिए लिख लेते क्या क्या दिया गया है आप लोगों को, वेंचुरी मीटर है जिसे पाइप में फिट किया गया है, पाइप का डायमीटर यानी कि d1 आपको दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 मीटर। तो अगर ये है तो आपका a1 कैलकुलेट हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू 0.4 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका फ्रेंड्स आ रहा है 0.1256 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से आपको d2 की वैल्यू यानी कि थ्रोट डायमीटर की आपको वैल्यू दे दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 0.15 मीटर, तो इसमें जो a2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी पाई बाय 4 इंटू 15 सेंटीमीटर यानी कि 0.15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 0.15 का स्क्वायर, ये आपका आ रहा है फ्रेंड्स 0.0176, ये क्या आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो आपका a1 की भी वैल्यू आ गई, a2 की भी वैल्यू आ गई, आपको x की वैल्यू दे दी गई है, देखिए ध्यान से देखिए, द डिफरेंस डिफरेंशियल मरकरी मैनोमीटर शोज, तो ये जो 25 सेंटीमीटर ऑफ जो मरकरी दिया है ये x की वैल्यू दी है, तो x की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है 0.25 मीटर। अच्छा, यहां पर कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहां पर वाटर, देखिए यहां पर जो पाइप में फ्लो हो रहा है फ्लूइड वो वाटर दे दिया गया है, तो यहां पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो वाटर है वो कितनी हो जाएगी 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो मरकरी है वो कितनी है 13.6, तो यहां पर आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं, h क्या हो जाएगा x इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर माइनस 1, तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी h की ये कितनी आएगी 0.25 सेंटीमीटर, ये ना ठीक है, इंटू 13.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 12.6 मीटर, तो इसको भी मैं बता देता हूँ 0.25 इंटू 12.6 ये आपके आ रहे 3.15 मीटर।
तो एच की भी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3.15 मीटर आ गई। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 0.96 दे दिया गया है। अब यहां पर दिमाग मत लगाइएगा कि सर आपने 0.98 टू 0.99 बोला था, ये 0.96 दिया, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, यहां पर इन्होंने दे दिया, आप जो भी देगा उसको मान के चलिएगा। इन केस अगर क्वेश्चन में नहीं देता है तो मैं ये बता सकता हूं कि आप वहां पर उस केस में 1 एज्यूम कर लेना वेंचुरी मीटर के लिए, क्योंकि वेंचुरी मीटर का जो डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो आप वहां पर 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकाल देंगे, सी डी ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 0.96 इंटू ए वन ए टू की वैल्यू यहां पर देखिए मैंने लिखी है 0.1256 इंटू 0.0176 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 0.1256 का स्क्वायर माइनस 0.0176 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो आप यहां से थोड़ा सा वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी आपका यहां पर वैल्यू आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं बहुत ज्यादा कैलसी में पुट करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको चेक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। लेकिन कमेंट सेक्शन में आपका जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, क्योंकि सारी वैल्यूज जो भी मैंने यहां पर लिया है वो क्या लिया है, करेक्ट लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेंचुरी मीटर का, वेंचुरी मीटर हमने पढ़ लिया है तो हम ऑरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। उसमें डिस्चार्ज और वेलोसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल सेक्शन को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसे देख सके। और प्लीज थोड़ा सा इसमें आप मेरी भी हेल्प करिए कि बाकी लोग इसे देखें तो क्या हो कि यहां पर उनको भी इस क्रैश कोर्स का फायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।